हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। हरे मटर की बहुत सारी रेसिपी आपने देखी होगी, लेकिन आज मैं कुछ बिल्कुल अलग रेसिपी लाई हूँ जो कि खाने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत है। तो बिना देर करते हुए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हम 2 कप हरा मटर लेंगे। हमें इसको पीसना है तो मिक्सिंग जार में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। फिर इसमें 2 टुकड़ा अदरक और 1 हरी मिर्च डालेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार हो चुका है तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसे ही हम बाकी के बचे हुए मटर को भी पीस लेंगे। मटर का पेस्ट तैयार हो चुका है तो अब हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 कप सूजी डालेंगे। फिर इसमें 4 टेबल स्पून भर के चावल का आटा डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार लेंगे। फिर इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करके सोक होने के लिए रख देंगे। हमने इसमें सूजी डाला है तो ये अच्छे से फूलेगा, इसलिए इसको हमें कम से कम 1 घंटे के लिए मिनिमम रखना है। 1 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे, ये अच्छे से सोक हो चुका है। तो अब हम इडली बनाने के लिए स्टैंड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ मटर के पेस्ट में दही नहीं डाला है, इसलिए हम इसमें लास्ट में इनो ऐड करेंगे। इससे इडली बहुत ही फूली फूली बनती है। यहाँ मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें बॉयल आने ही वाला है। तो अब हम इसमें 1 नींबू का टुकड़ा ऐड करेंगे। नींबू डालने से पानी जो है आपका बिल्कुल क्लीन रहता है और बर्तन भी बिल्कुल काला नहीं होगा। यहाँ हम इनो ऐड करेंगे, फिर इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करेंगे। इनो बिल्कुल लास्ट में ऐड करें जब आपको इसको स्टीम होने के लिए रखना हो, तभी ये फूली फूली बनती है, वरना ये अच्छी फ्लफी नहीं बनेगी। यहाँ सारे स्टैंड में इडली बैटर डल गया है तो अब हम इसको फटाफट स्टीम के लिए रख देते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से स्टीमर में बॉयल आ चुका है तो सारे इडली को हम स्टीम के लिए रख देंगे। इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे, फिर इसको चेक करेंगे। फिर 15 मिनट बाद इसको चेक करेंगे, ये अच्छे से कुक हो गया है तो इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको सर्व करेंगे। ये ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको निकाल के चेक करेंगे ये कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है और देखने में बहुत ही जालीदार और फ्लफी दिख रहा है। तो अब हम इसको घर की बनी तीखी टमाटर की चटनी के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।